विराट कोहली महान नहीं है। विराट बनने के लिए एक विराट दिल और उस दिल के अंदर कूट कूट कर खेल भावना भरी होनी चाहिए। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैचों में कुछ ऐसा किया जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल टॉस हारकर भारत को पहले बैटिंग मिली। भारतीय टीम का आखिरी ओवर चल रहा था। टीम का स्कोर 200 के पार था। इस दौरान गलती से सूर्य कुमार यादव रन आउट हो गए। तब विराट कोहली 49 रन पर थे। बस एक गेंद पर वो अपनी 50 पूरी कर लेते, लेकिन उन्होंने इस 50 को पूरा करने की जहमत नहीं उठाई। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर एंड पर दिनेश कार्तिक का बल्ला आग उगल रहा था। दरअसल 20वां ओवर लेकर आए रबाडा की पहली गेंद डीके से मिस हो गई। इसके बाद अगली 3 गेंदों पर कार्तिक ने एक चौका और एक छक्का लगाया। यहां पर कार्तिक को लगा कि अब तो 2 ही बॉल बची है, स्ट्राइक उनके पास है, जबकि विराट को सिर्फ 1 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। इसीलिए वो खुद विराट के पास पहुंचे और हाफ सेंचुरी पूरा करने के लिए पूछा, लेकिन विराट ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत डीके को वापस भेजा और कहा, बड़े बड़े शॉट खेलो, मेरी हाफ सेंचुरी की फिक्र मत करो। विराट से ग्रीन सिग्नल मिलते ही कार्तिक को बूस्टर मिल गया। उन्होंने रबाडा की अगली ही गेंद पर एक और 6 जड़ दिया। कार्तिक के इस कारनामे के बाद विराट आए और उनका हेलमेट छूकर बधाई दी। कार्तिक की बल्लेबाजी को देखकर विराट बेहद खुश हुए। बेशक विराट कोहली अर्धशतक से चूक गए, लेकिन कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत को आखिरी ओवर में 18 रन मिले। कार्तिक ने 7 बॉल पर कुल 17 रन बनाए। हालांकि विराट कोहली ने भी 28 बॉल पर शानदार 175 के स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके भी जड़े। एशिया कप में विराट कोहली फॉर्म में लौटे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी T20 सीरीज में भी विराट का बल्ला काफी चला था। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। इस टीम स्पिरिट की वजह से दूसरे T20 मुकाबले में भारत 237 रन बनाने में कामयाब हुआ, जिसने जीत की इबारत लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि विराट कोहली समय समय पर अपनी इस खेल भावना को दिखाते रहते हैं। इससे पहले IPL 2022 के दूसरे क्वालिफायर मैच में बैंगलोर और राजस्थान की टीमें आमने सामने थी। विराट कोहली बैटिंग पर थे और बोलिंग कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट। इस दौरान इस ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने स्क्वायर लेग की ओर गेंद को खेला, तभी जॉस बटलर ने बॉल को रोककर तेजी से नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर फेंक दिया। लेकिन तब तक विराट यहां पहुंच चुके थे। ये बॉल विराट के पैड से टकराई और दूसरी दिशा की ओर चली गई। विराट चाहते तो यहां पर रन चुरा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विराट के इस जेस्चर को देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। इस दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब मैदान पर गिर गए थे। तब कोहली उनके पास गए और पाकिस्तानी बॉलर का हालचाल पूछा। इस पल को लेकर भी मैदान में मौजूद दर्शकों ने कोहली की प्रशंसा की। बाद में सोशल मीडिया में भी कोहली की तारीफ की गई। कोहली को साल 2020 में खेल भावना दिखाने के लिए ICC की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। ये बात भी 2019 के विश्व कप की ही है। तब इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान जब स्टीव स्मिथ बैटिंग करने आए तो फैंस बॉल टैंपरिंग विवाद को लेकर उनके खिलाफ हूटिंग करने लगे, लेकिन विराट ने ये सब देखा तो दर्शकों से ऐसा न करने का अनुरोध किया और कहा कि उनका स्वागत कीजिए, जिसके बाद हर जगह कोहली के इस कदम की तारीफ हुई।